मैक्स का जन्म बस अभी हुआ। फिर तुरंत उसने बहुत बड़ा अपराध किया। सच में ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन दूसरे ही क्षण डॉक्टर ने कहा। मैक्स का बेहद खूबसूरत चेहरा देखकर डॉक्टर बोला कि यह इतना सुंदर है जैसे कि वह मर गया हो, वास्तव में मरे हुए जितना सुंदर। तब से सभी की सुरक्षा के लिए मैक्स को केवल कपड़े की पट्टी बांधी जा सकती है। बेहद सुंदर होने का बहुत डर था, लेकिन 20 साल के लड़के के लिए पट्टियों से बंधे रहना मुश्किल था। वह वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहता था। उनके माता पिता उन्हें एक मनोचिकित्सक को दिखाने के लिए ले गए, इस आशा के साथ कि वह सुंदरता की छाया से बाहर आ सकेगा। मैक्स ने डॉक्टर से कहा, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, जिसने भी मेरा चेहरा देखा मर जाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर ने यह सुनते ही तुरंत कहा कि मैं कभी भी बेशर्मी से इतने मोटे चेहरे वाले व्यक्ति से नहीं मिला। मैं देख रहा हूँ कि तुमको भ्रम है, तुम यह पट्टी उतार दो, मुझे देखने दो। तभी नीचे बैठे माता पिता ने तुरंत एक आवाज सुनी, मम्मी और पापा उठे। मैक्स पट्टी लपेट रहा था, लेकिन मनोचिकित्सक पहले से ही मर चुका है, उसे भी प्यार पाने की उम्मीद है। जमीन पर ईंट को देखकर उसे एक बहुत बड़ा विचार आया। मैक्स अपने सबसे अच्छे दोस्त पोल से मिला। आशा है कि पोल ने ईंट से उनका चेहरा तोड़ दिया होगा। वो अब इस तरह से सुंदर नहीं बने रहना चाहता था, लेकिन पोल को केवल उन लड़की की परवाह थी जिनसे वो बात कर रहा था। मैक्स केवल उनका फोन गिरा सकता था ताकि वो मैक्स के चेहरे को नुकसान पहुंचाए। पोल ने उसे एक महिला मित्र से परिचित करवाया और उसके साथ परिचित होने में मदद भी की। फिर पोल तुरंत चला गया। जबकि दोनों बात कर रहे थे, लड़की का पूर्व प्रेमी वहां आ गया। मैक्स को मम्मी की तरह पट्टी बांध कर बैठा देखकर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि किसी से मिलने का ये कोई तरीका नहीं है। मैक्स उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन पूर्व प्रेमी और भी बदमाश था। वो मैक्स के सिर को टेबल पर दबाकर मसलने लगा। सौभाग्य से रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी उन्हें रोकने के लिए आ पहुंचे। मैक्स के चेहरे पर गंदगी देखकर लड़की थोड़ा निराश हुई। उसे लग रहा था कि वह बहुत कायर है। वह नहीं जानती थी कि मैक्स के पास क्या है, इतना अद्भुत चेहरा कि जिसकी ईर्ष्या भगवान भी करते हैं। मैक्स पट्टी नहीं निकालना चाहता था, वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सुंदर होना वास्तव में गुनाह था। लड़की जा चुकी थी और मैक्स का दिल टूट गया था। वह पुल पर चला गया और गहरे पानी में देखने लगा। मैक्स अपनी अधिक सुंदरता की वजह से आत्महत्या करना चाहता था। पास से गुजर रही लड़की ने उनके असामान्य रूप को देखा। उसने मैक्स को सलाह दी कि मानव केवल एक बार जीता है, अपने जीवन का मजा लो, कुछ भी असंभव नहीं है। फिर लड़की मैक्स को नर्सिंग होम ले गई। वे वहां बुजुर्गों से मिलने जाते हैं। यहां कोई भी उनके अजीब मेकअप पर ध्यान नहीं देता है। पुराने लोग अपनी युवा अवस्था में हुई कहानियां सुनते हैं। पहली बार मैक्स इतना सहज था, वो दोस्त बन गए। इस तरह की भावना का मैक्स पहली बार अनुभव कर रहा था। वह बस स्टॉप जाता था और लड़की का इंतजार करता था। दोनों एक साथ सुपरमार्केट गए और बात भरने के लिए कैंडी खरीदी। उन्होंने खुशी खुशी बातचीत की। एक ईमानदार लड़की को सामने देखकर मैक्स ने कहा कि वह बहुत खूबसूरत दिखता है और जो भी उनका चेहरा देखेगा मर जाएगा। लड़की ने शर्ट की जीप खोली और अपने हृदय रेट को मॉनिटर करने वाला मशीन दिखाया और कहा कि उसे दिल की बीमारी है, वो हमेशा दवाई लेकर चलती है। दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। इसने उनके रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाया। साथ में नियमित रूप से फिल्में देखने लगे, शहरों में टहलने लगे। जब लड़की का हाथ छिल जाता है, मैक्स ने अपने सिर से एक पट्टी फाड़कर लड़की के हाथ सावधानी से साफ करके उनके हाथ में बांध दी। लड़की के हृदय की गति बढ़ गई। हृदय की गति की निगरानी करता मशीन अल्ट्रामैन के संकेतन प्रकाश की तरह चमकने लगा। निकट संपर्क से उन्हें एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हुई। वे प्रेमी बन गए थे। मैक्स के घर पर लड़की उनकी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने उनके चश्मा उतारे। मैक्स की गहरी और करिश्माई आंखें देखकर वह उसे चूमना चाहती थी। दरवाजे के खुलने की आवाज ने उन्हें बाधित किया। माता पिता आश्चर्य से भरे थे। उनके बेटे की एक प्रेमिका है यह जानकर माँ आगे बढ़ी और लड़की को गले लगा लिया और घबराए पिता ने दोनों से हाथ मिलाया। मैक्स का अच्छा दिखाव उनके लिए घातक हो सकता है। यहाँ तक कि एलेक्स ने भी अपनी आँखों को ढक लिया था, तब जाके उनके सुंदर चेहरे को सहलाने में सक्षम हो सकी। लेकिन एलेक्स की दिल की बीमारी और भी बदतर होती जा रही थी। वह कोई भी बहकावे में नहीं आ रही थी। उसने मैक्स को उनके साथ होने के लिए कहा। उसने अपने दम पर पूरी तैयारी कर ली। मैक्स के लिए भी डॉग हेड मास्क लाई थी। उन्होंने डांस फ्लोर में सेंटर में नृत्य किया और एलेक्स मैक्स के कंधे पर झुक गई। लेकिन अचानक थोड़ी परेशान दिखी क्योंकि उनके नाक में खून निकल रहा था। वह फिर बीमार हो गई। उसने मैक्स को बताया कि उसे कुछ देर के लिए बाथरूम जाने की जरूरत है और मैक्स बैकस्टेज से पोल और उनकी प्रेमिका को देख रहा था। इस समय जिस लड़के ने कई दिन पहले उसे तंग किया था वह वहां आ गया। उसने मैक्स को धक्का दिया, पोल को भी पकड़ लिया था। लड़के ने फिर मैक्स का मुखौटा उतार दिया और तभी पोल की
प्रेमिका उनके सामने खड़ी थी। कुछ ही क्षण में वह मर गई। पुलिस यहाँ आई और वे मैक्स को ले गई। उसने देखा कि एलेक्स को भी एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया था। रात भर थाने में रहने के बाद बाहर निकलकर वह पहले एलेक्स से मिलने के लिए अस्पताल गया, लेकिन एलेक्स की स्थिति अच्छी नहीं है, वह कभी भी मर सकती है। एलेक्स देखना चाहती थी कि उसका प्रेमी आखिर कितना सुंदर था। तब एलेक्स ने मैक्स को कहा कि वह उनका चेहरा देखकर मरना चाहती है। यह सुनने के बाद मैक्स काफी गुस्से में था। वह इस भयानक सौंदर्य को नहीं रखना चाहता था जो कि किसी को मारने के लायक हो। वह अन्य लोगों को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वह घर वापस गया और कमरे के अंदर चला गया। ईंट उठाकर फिर चेहरे पर मारने लगा। उनके माता पिता तुरंत भाग के उनके पास आ गए और खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य करने से रोकने लगे। वह पोल की प्रेमिका के अंतिम संस्कार में गया था। वह कहने लगा कि यह सब उनकी गलती है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत सुंदर है। पोल ने उसे दोष नहीं दिया। यह बात से उसे सुकून मिला। यह सब भगवान की व्यवस्था है। जब कोई जीवित होते हैं तो उन्हें हर पल आनंद करना चाहिए, खुद के लिए कोई पछतावा बाकी न छोड़े। यथार्थ के सामने मैक्स भी बहादुर था। वह अपनी प्रेमिका एलेक्स के सामने आया। एलेक्स को अपने आंखों के सामने देखते ही उनका दिल टूट गया। अंत में उसने कपड़े की पट्टियों को खोल दिया और एलेक्स के बगल में सो गया। एलेक्स घूम गई, फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली और वह नहीं मरी। मैक्स रो पड़ा। अंत में वह जिस लड़के को प्यार करता है उन्हें खुद को दिखने दे सकता था, लेकिन एलेक्स की बीमारी अभी भी सही नहीं हो रही थी। अंत में प्रेमिका परिवार का सदस्य नहीं बन सकती थी। पुरुषों को उम्मीद होती है कि वे सुंदर हो और महिलाओं को उम्मीद होती है कि वह खुद सुंदर दिखे, लेकिन मैक्स की तरह शानदार दिखने वाला कोई व्यक्ति कितनी परेशानियां झेलता होगा।